पर सेहत नहीं है तो आत्मनिर्भर कैसे बने? जब ऐसी रोग आ जाता है डायलिसिस, डायबिटीज या पैरालिसिस, तो आत्मनिर्भरता का सवाल ही नहीं उठता है। तो हमें लगा एक मस्त भारत स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, इसलिए एक फैक्ट्री खड़ा की। ये कैसा फैक्ट्री? मसाले का फैक्ट्री? नहीं जी, न्यूट्रास्यूटिकल। क्या होता है इसमें? अजूबे होते हैं? नहीं जी, दादा दादी के दादा दादी के दादा दादी जो करते थे आधुनिक तरीके में उसी को करते हैं। सिलबट्टी बाहर, कलबट्टा बाहर, कूठन में जितने स्पाइस जाते थे सिर्फ वो तेरा स्पाइस हमारे फैक्ट्री में आता है। कैसा आता है? खेत में जाके फर्स्ट अग्रेगेटर से चुन के लाते हैं, कलर से सॉर्टिंग करते हैं, साइज से सॉर्टिंग करते हैं, क्योंकि अभी मिर्ची में, लाल मिर्ची में रहता है कैप्साइसिन, कहाँ रहता है? मिर्ची में रहता है, उसके स्टेम में नहीं। पर स्टेम को साथ में पीस देते, हम निकाल देते। धनिया, लंबी धनिया जाता है एक्सपोर्ट में, मध्य धनिया जाता है बिस्कुट में, और तीसरा धनिया जाता है अपने बाबी जी के घर में पूड़ियों में बनते। अब इसको जब निकालते हैं जो फाइन्स आता है वो आता है मसाले के पूड़िए, कभी कभी कहीं कहीं ये भी होता है। तो हम कैसे लेते हैं धनिया? मशीन में निकल के साइज देख के। क्यों? क्योंकि क्यूमिन में क्यूमिन एल्डिहाइड है। हम उसको जीरा नहीं देखते, हम उसको क्यूमिन एल्डिहाइड बोल के देखते। हम दालचीनी को दालचीनी नहीं देखते, सिनेमा एल्डिहाइड बोल के देखते। हम इलायची को इलायची नहीं देखते, कार्डोमिन बोल के देखते। हम लौंग को लौंग नहीं देखते, ओलियनोल बोल के देखते। हम तेज पत्ते को पत्ते नहीं देखते, एनीथोल बोल के देखते। ये जो नाम है मैं बोला, ये नाम वो नेचुरली अकरिंग बायोलॉजिकल फाइटोकेमिकल्स का, जो दवाइयों का माँ है, जिनसे दवाइयाँ बनती है। पर हम क्या करते हैं? तेज पत्ते को चूस के फेंक देते, दालचीनी को चूस के फेंक देते, स्टार एनिस को चूस के चक के फेंक देते। इनको हमने पीस के मिला दिया, स्वाद भी रखा है, खुशबू भी रखा है, ओरिजिनलिटी भी रखा है, ओनली स्पाइस। और मिश्रण जीब्रा फिश के इन भी वो टेस्टेड सिस्टम से रखा है। और बनाते कैसे हैं? एक एक स्पाइस को मैनुअली साफ किया जाता है स्पेशली डिजाइंड टेबल में। ये टेबल में मेश लगा हुआ रहता है, पूरा स्टेनलेस स्टील का रहता है, इसमें छाना जाता है। और मिर्ची, लाल मिर्ची आम चीज है, हर घर में इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनिक तक ढूंढ के लाते हैं। क्या आपको किसी ने बताया है कि लाल मिर्ची में अगर पीले धब्बे हो, अगर सफेद धब्बे हो, तो वो इस बात की निशानी है कि जब वो मिर्ची हरा था उसमें एक फंगस था जो मरते मरते ऐसा एक विषदार टॉक्सिन जोड़ गया जिसको अफ्लाटॉक्सिन बोलते हैं। गूगल करके देखिए, देश जानता है ऑर्गेनिक अच्छा है क्योंकि उसमें फायदा होता है बेचने वाले को। कब समझाएंगे हम घर वाली को, माँ को, सास को, बेटी को कि मिर्ची को पहले उठा के देखो, पीले धब्बे है तो इस्तेमाल ना करो, कैंसर हो जाएगा। सफेद धब्बे है तो इस्तेमाल ना करो, मिट्टू तक को मत खिलाओ। ऐसा बताएंगे तो 1.3 लाल मिर्च को फेंकना पड़ जाए। हाँ, यूरोप अमेरिका को एक्सपोर्ट करना है तो हम करते हैं, पर क्या हमारे बाजारों में, हमारे औरतों को, हमारे घरों में ये कब्र फैलाया हम? ऐसी हर चीज में होता है, कोई खास खासियत, कोई खास विश। 3 रोस्टर लगा के हर स्पाइस को अलग अलग रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग क्या है? उससे थोड़ा सुगंध बढ़ता है? नहीं, नॉन थर्मोफिलिक बैक्टीरिया रोस्टिंग करने से मरता है। ये क्या होता है नॉन थर्मोफिलिक बैक्टीरिया? यूरोप ने एक को फेमस कर दिया था, साल्मोनेला। 150 डिग्री फारेनहाइट में साल्मोनेला मर जाता है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड में रोस्टिंग करेंगे तो 158 डिग्री फारेनहाइट होता है, साल्मोनेला मर जाता है। पर करते वक्त मॉइस्चर कम हो जाता है, यानी कि 1 किलो जीरा डालूंगा, रोस्ट करूंगा, 925 ग्राम ही बाहर आएंगे, नुकसान हुआ ना। इसलिए करते नहीं है अधिकतर लोग, करते नहीं है। अब करते भी कुछ लोग तो कैसा करते हैं, अब डाल दिया मिर्ची, धनिया, मेथी, सब सांबार पाउडर के सामान और एक साथ रोस्ट कर लिया। अगर मिर्ची रोस्ट हुआ तो धनिया जल गया, धनिया रोस्ट हुआ तो मिर्ची गर्म तक ना हुआ। इसलिए हमारे यहाँ हर स्पाइस को अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग समय के लिए रोस्ट किया जाता है। फाइटोकेमिकल बढ़ता है, पानी कम होता है और नॉन थर्मोफिलिक साल्मोनेला जैसा बैक्टीरिया मर जाता है। अगला, मसाले का मिश्रण बनाना है। कैसे बनाए? अधिकतर मसाले फैक्ट्री ढाई मंजिल के होते हैं, ऊपर बोरियां खुलते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से, कितना धनिया, कितना मिर्ची, कितना क्या, सब मिलके पिस जाता है, नीचे आता है, पैक होता है, निकल जाता है। कहीं एक पैकेट में मिर्ची ज़्यादा, कहीं एक पैकेट में हल्दी ज़्यादा, कैसे मालूम पड़ेगा ग्राहक? आखिर
हर दिन का सांभर टेस्ट करके तोड़ना का स्वाद है काले थे। तो हमने कहा नहीं, तेरा मसाला हमारे यहाँ अलग अलग पिसता है रोस्टिंग के, पूरा नहीं पिसता है, मोटा मोटा 1 मिलीमीटर साइज का। अब आप सोचिए 1 मिलीमीटर साइज का मिर्ची, 1 मिलीमीटर साइज का धनिया, 1 मिलीमीटर साइज का मेथी मिलाओगे, मेल कैसा होगा? मस्त। अब आप सोचिए साबुत मिर्ची 1 किलो, साबुत धनिया 1 किलो, साबुत मेथी 1 किलो, मेल करो और कैसा होगा? कहीं मिर्ची ज़्यादा, कहीं मेथी धनिया ज़्यादा। तो ये मोटा मोटा अलग अलग पीसना बहुत ज़रूरी है, ये हम करते हैं। हम 2.5 मंजिल के फैक्ट्री नहीं है, एक ही मंजिल है, ग्राउंड फ्लोर। करने के बाद हाथ से नहीं छुआ जाता है, ऑटोमेटिक साइलो में भर जाता है, इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर कहते हैं, 150 किलो का ऑटोमेटिक भर जाता है। अब हाथ से छुए बिना ये साइलो को सेफ किया जाता है। 33 साइलो है। ये दृश्य आपको कोई और मसाले फैक्ट्री में नहीं मिलेगा। देखिएगा 33 साइलो, किसी में इलायची पाउडर बुना हुआ, किसी में हल्दी पाउडर बुना हुआ, किसी में मिर्ची पाउडर बुना हुआ, किसी में दालचीनी का पाउडर बुना हुआ। और फिर जो रेसिपी बनाते हैं वो नाप के गेन इन वेट सिस्टम कहते हैं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड है भाई, हाथ से आदमी छूता नहीं। हाई रीच फोर्कलिफ्ट जाता है, साइलो निकालता है, रेसिपी पे रखता है, कंप्यूटर चेक करता है कि माल सही है कि नहीं, कहीं चिल्ली की जगह आपने मेस तो नहीं लगा दिया, मिर्ची की जगह कहीं आपने जयपत्री तो नहीं लगा दिया, दोनों लाल होते। जब बैच कोड ओके हो गया तो फिर सिस्टम चालू हो जाता है, 20 किलो तो 20 किलो, 30 किलो तो 30 किलो, मिर्ची नीचे गिर जाता है, टक बंद, फिर लगा धनिया, फिर लगा मेथी, ऐसा चलता रहता है। तो नीचे वाले सैलो में क्या हुआ, ऐसा सैंडविच जैसा मिर्ची धनिया मेथी लेयर बन गया, 150 किलो। अब इसको क्या करनी है, अपने को मिलानी है। तो हाथ से छुए बिना फोर्कलिफ्ट या साइलो को लेके जाके ब्लेंडर के ऊपर डालता है, ब्लेंडर उसको 20 मिनट तक खूब मिलाता है। अब हमारा हाथ से छुए बिना बनाए गए मिश्रण मसालों का आ गया, जो फाइटोकेमिकल से भरपूर है और आपके जीन्स को अपरेगुलेट करेगा खाने पे। ना एडिटिव, ना कलर, ना नमक, ना प्याज, ना अदरक, ना लहसुन, ना फ्लेवर एनहेंसर, ना टेस्ट एनहेंसर, ना प्रिजर्वेटिव। पर ये अभी फाइन नहीं हुआ, मोटी मोटी पिसा हुआ है, तो इसलिए इसको फिर दोबारा पीसते हैं, 600 माइक्रॉन साइज तक पीसते हैं, पीसते पीसते इनलाइन ब्लेंडिंग भी करते हैं उसको, और इसको एक 600 किलो वाला IBC में ले लेते हैं। फिर लेके क्या करते हैं, अब ये पाउडर था 600 माइक्रॉन का, अपन मसाला कैसे लेते, पुड़िया को हिला के देखते, मसाला बाहर नहीं गिरा, हमें लगता सील्ड पुड़िया है। आखिर सच क्या है, अगर ये मेटलाइज्ड पॉलिएस्टर पाउच में 10 माइक्रॉन के स्क्रैचेस हैं तो हिलाने से मसाला नहीं गिरेगा, क्योंकि माल बड़ा है चाहे छोटा है, पर बैक्टीरिया और वायरस बेहिचक अंदर बाहर सफर। बैक्टीरिया बहुत अजूबा चीज होता है, ये ज्यादातर जो बोलते हैं ना हेवी सा हो गया है मसाले करने से, ये बैक्टीरिया अपना काम करता है। आदमी की पेट में सही बैक्टीरिया हमेशा रहता है, गलत बैक्टीरिया थोड़ा सा क्या घुस जाए, उठपटांग हलचल मचता है, अंग्रेजी नाम दे देते हैं गैस का। बैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूस करता है, जैसे इडली या ढोकले के आटा में करता है वैसे पेट के अंदर दुश्मन है गलत बैक्टीरिया दुश्मन। तो हम लोग क्या किए, पुड़िया नहीं, हाथ से छुए बिना फूड ग्रेड पेट जार, इसको प्लास्टिक ना समझिएगा, सील करके UN स्टैंडर्ड के हिसाब से, मेटल वेटल तो नहीं है, वो सब देख के आपके लिए एक नया पेशकश लेबल, बड़ा सिंपल, अंदर क्या है इतना ही लिखा हुआ, और आप देख सकते हैं मसाले, हिलाएंगे हिलेगा, चिपकेगा नहीं, जब आप थोड़ेंगे तभी पहली बार मनुष्य और मसाले का मुलाकात होता है। इट इज अनटच्ड बाय ह्यूमन हैंड टिल यू ब्रेक द सील। थोड़ते ही सुगंध आपको छायन दिलाए, भूख भी दिला सकते हैं, शुद्ध है कि नहीं देखना है, थोड़ा सा लीजिए और अपने कमीज पे डाल दीजिए, चिपकेगा नहीं, क्योंकि मिलावटी रंग तेल या एनहेंसर नहीं है, ओनली स्पाइस, ओरिजिनल स्पाइस।